दरभंगा टावर पर बीते दिन देर रात को दुकानदारों में हुई झड़प के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया। इससे पहले न ही अतिक्रमण हटाने की बात थी और न ही किसी विक्रेता को सामान इत्यादि रोड पर रख कर बेचने की रोक टोक थी। दरअसल पूरा मामला एक दुकानदार को ठेला लगाने की रोक टोक पर शुरू हुआ। इसके बाद बीती रात आपस में दोनों में झड़प हो गई। झड़प में दोनों दुकानदार के कई लोग घायल हो गए। वहीं यह मामला प्रशासन के पास पहुंचा। प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लेकर मामले को शांत अतिक्रमण हटाकर किया। अतिक्रमण किए गए सामानों को नहीं हटाने पर ट्रैक्टर पर लाद कर उसे ले जाया गया। वहीं प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और प्रशासन यह नहीं चाहती किसी तरह की कोई दिक्कत हो। अब अतिक्रमण तो हटा दिया गया है, लेकिन अतिक्रमण कब तक हटा रहेगा यह देखा जाएगा। वहीं मौके पर ट्रैफिक डीएसपी के साथ साथ एसडीएम सदर डीएसपी भी मौजूद रहे। हुआ सर, जो तो कल कुछ विचार आदमी हम लोग के दुकान पर थे, रात में टायर पे जो तो हमला हो गया। हमला हो गया उसके बाद रात में अच्छा। 10:30 बजे में उसके बाद जो हम लोग प्रशासन को फोन किए, प्रशासन आए, फट्ठा लेके के गया था मारने। सब जो है यहाँ पर का जो साइड वाला दुकानदार सब जितना है सब जो आया था फट्ठा लेकर मारने के लिए। आप कुछ नहीं किए? हम लोग तो मतलब कि दुकान बढ़ाने के सोच रहे थे। हम लोग के पास क्या रहेगा दुकान के अंदर में? क्या आपने FIR करवाया है इस चीज को लेकर? हुआ हमसे नहीं है, हमारे भाई के छोटे लड़का के साथ हुआ है। हमारा भाई कारण क्या था लड़ाई होने का? हुआ था कि सर एक खाली ठेला था, पुलिस चौकी के सामने जगह खाली था, तो हम कहें कि आधा घंटा के लिए लगा देते हैं, फिर उसको हटा देंगे। उसके बाद जो उसी बात पर विवाद हुआ, दिन में विवाद हुआ, तो हम लोग माहौल को शांत करते हैं कि चलो भाई तुम कहते हो हटाने के लिए तो हम हटा देते हैं। ठेला हटा देने के बाद थोड़ा सा माहौल गरमाया, उसका सब माहौल को शांत कर दिए। उसके बाद हम लोग भी अपना दुकानदारी में लग गए, उन लोग भी अपना दुकानदारी में लग गया। जिस तरह से हम लोग दुकान रात में बढ़ाते हैं उसी तरह से दुकान बढ़ा रहे थे। एकाएक जो है 200-150 आदमी आकर के हमला। आप ही लोग का नाम आ रहा है कि आप लोग शाम में फट्ठा निकाल के दौड़ा दौड़ा के मारे हैं? हम लोग सर केवल 4-5 आदमी। आपके भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम है अनिल। आपका? मेरा नाम हुआ सुनील सर। लेकिन जो देखे हैं वो बोले कि आप सुबह में हुआ था झंझट, लेकिन शाम में आप लोग फट्ठा लेके दौड़ा दौड़ा के मारे हैं शाम में रात में? सर 250-200 आदमी उधर से आ गए। हम लोग तो दुकान बढ़ा रहे थे सर। हम लोग चार आदमी थे, हम लोग यहाँ पे बस हम लोग जितने यहाँ पे चार आदमी का दुकान है हिंदू का हम लोग का। हाँ। बाकी सामने में सारे मुस्लिम भाई लोग का दुकान है। देखिए हिंदू मुसलमान मत कीजिए, बोलिए नहीं गलत बात। हिंदू का दुकान है टावर पर, सब दो दुकानदारों की लड़ाई है, इसको हिंदू मुसलमान मत कीजिए। पूरा आप लोग व्यापारी हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ नहीं सर, चार आदमी हम लोग दुकान बढ़ा रहे थे, हम लोग ये दुकान वो लोग, हम लोग अपना मजे से दुकान बढ़ा रहे थे। हाँ। वो लोग क्या किए रात को दिन वाला बात से हम लोग कोई मैटर हम लोग नहीं जानते थे। वो लोग आए सीधा 5 मिनट के अंदर में इतना लड़का भर गया जो हम लोग कुछ नहीं कर पाए। हम लोग कुछ जाने भी नहीं, सीधा आया सीधा हमला अटैक कर दिया पीछे से, मार बैठ। अच्छा चलिए सब बात है। आप जो दुकान लगाए वो सही है जी सर? यहाँ पे जो दुकान लगी हुई सही है? आपका भाषण बाद में सुनेंगे। ये दुकान लगा हुआ सही है सर? हम लोग नहीं बताइए ना सही है गलत है। रोड का अतिक्रमण किए हुए हैं, रोड का अतिक्रमण किए हुए हैं, सही है? नहीं सही नहीं है सर। तो हटाइए दुकान सर। ये इसी दिन के लिए इंतजार कर रहे थे कि बवाल होगा उसके बाद हटाएंगे? हम लोग तो सर इस तरह का बवाल हम लोग कभी सोचे नहीं, इतना दिन हम लोग का तो हो गया है, लेकिन आज तक कभी भी टावर का आदमी नहीं कर सकते हम लोग किसी से झगड़ा लड़ाई कर। चलिए धन्यवाद जी। हुआ क्या, मेरा भतीजा है। क्या नाम है भतीजा का? मोहम्मद सोनू। अच्छा, ये आइए गया, इसको भी मारा है। अच्छा, इसको ले आया था मारने के लिए, 8-9 लड़के ले आया था इसको मारने के लिए। अच्छा, ये मेरा भतीजा है। हाँ। ये हमको नहीं देखा कि यहाँ पान लगा गया। हाँ। तो हम गए छुड़ाने के लिए, तो हमको पकड़ के सब मिल गया मारा है। ये देखिए पूरा सबूत है, पूरा पीठी फटा हुआ, पीठी खोल के दिखा देते हैं। दिखाइए क्यों मारा आपको? ठीक है, गैस छुड़ाने के लिए पीछे पूरा। हुआ था क्या ये भी बता रहे हैं, मामला क्या हुआ? हुआ था कि हमसे मामला हुआ, खाली ठेला ला करके हमारे दुकान के आगे लगा दिया। आपका दुकान कहाँ पे है? यहाँ पर लगता है। बोले भाई पर्व के बाद का समय है, खाली ठेला का ही लगा, कुछ तुम बेचोगे तो हम मना नहीं कर सकते, मैं खाली ठेला रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, फिर कैसे क्या होगा। तो उसका वो बेटा आया डायरेक्ट मेरे गाली ले मारे छोड़, हम बोले भाई गाली का बगल, हम बात से बात न कर रहे हैं, हम कोई झगड़ा लगा कर रहे, तो डायरेक्ट गाली बकना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है ना वो हाथा पाए हुआ, दो हाथ मारा, मामला शांत हो गया। 10:30 बजे भाई मेरा दुकान बंद कर दिया हम लोग रात में। जी रात में 10:30 बजे। उसके बाद उसका एक बेटा आया, मेरा काले वाले पकड़ खींच के ले गया, मारना शुरू कर दिया। तब मेरा चचा आया तो भाई मेरे बचा हाथ, उतना देखिए पूरा चमड़ा फटा। नाम पता है?
नाम उतना नहीं जानते सर। 15-20 आदमी अज्ञात था, 15-20 आदमी अज्ञात था, ऐसा हम लोग 200 आदमी हम बुलाए जाते, तो हम लोग उल्टा मार खाते हैं, उल्टा मार खाते हैं। छोटा में आपका क्या नाम है सब जी? आपका नाम मोहम्मद साहब। आगे बोलिए। उधर से भी घायल है लोग? हाँ, उधर से भी एक आदमी घायल है, इधर से 3-4 आदमी घायल है। हम लोग ऐसे आदमी रहते थे, हम लोग उल्टे मार खाते हैं। हम लोग जब चले गए कांड दिन में बात खत्म हुआ, ठेला लगाने के लिए बच्चा बच्चा का मामला था। हम भी उतने वो भी उतने हम इतना बोले कि भाई की गाली गाय हम तुमसे बात ना कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हाथ आ गया था, दो हाथ मारा, दो हाथ मारे मामला कर। 10:30 रात में हमको घेर करके बुला करके जबरदस्ती मार, जिस समय कोई नहीं था मेरा वहाँ, बस एक आदमी का। बाद में मैं चच्चा उच्चा आया तब मामला है। भाई लोग हैं, उनसे अनुरोध एवं आदेश दोनों है, मैं उनसे अनुरोध भी करता हूँ और मैं उनको आदेशित भी करता हूँ कि जैसे आप लोग अतिक्रमण आज हटा लिए हैं, अपना अपना दुकान के सामने दोबारा अतिक्रमण नहीं करेंगे। और आपका दुकान दूर से ही दिखता है, यदि एक आदमी 5 इंची अतिक्रमण करते हैं तो दूसरा आदमी 10 इंची कर देते हैं, ऐसे करते करते पूरा रोड इंक्रोचमेंट कर देते हैं, इसलिए रोड को इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे। यदि आप लोगों के द्वारा रोड को इंक्रोचमेंट किया जाएगा, रोड को बाधित किया जाएगा, तो आपके विरुद्ध कार्रवाई किया जाएगा, दोबारा आप लोग को मौका नहीं दिया जाएगा। अभी तो हटवाया गया है नगर निगम के द्वारा और प्रशासन के द्वारा, दोबारा यदि अतिक्रमण करेंगे तो सीधा कार्रवाई होगा। और जो भी मोटरसाइकिल फोर व्हीलर लगाते हैं वो रोड से किनारे लगाएंगे, मोटरसाइकिल और फोर व्हीलर को ऐसा पार्किंग करेंगे जिससे यातायात बाधित नहीं हो। यातायात बाधित होगा तो फिर जो टू व्हीलर या फोर व्हीलर वो सबके विरुद्ध कार्रवाई किया जाएगा, फाइन काटा जाएगा।